हमारी है उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की वजह से तमाम लोग अपनी मौत का शिकार हो रहे हैं। हम इस वक्त देखिए आपको दिखाना चाह रहे हैं, हम एक जगह ऐसी खड़े हैं जहां पर एक व्यक्ति है जो समाजसेवी है, जिसने जो सिलेंडर फ्री बांट रहा है उस दौर में जब सिलेंडर को लेकर मारामारी है। हम इसे बात करते हैं कि क्या मंशा है और किस वजह से आज सिलेंडर ये बांटे जा रहे हैं, और क्या ये जो सिलेंडर जो बांटे जा रहे हैं उनको कहाँ से मैनेज कर रहे हैं क्या, क्योंकि तमाम समस्या आ रही है, बताया जा रहा है कि सिलेंडर मिल नहीं पा रहे, इस तरीके से बीच में किस तरीके से सिलेंडरों का मैनेज करना फिर बांटना बताइए। परसों वाले दिन हमारे 24 तारीख हमारे भतीजे की जब तबीयत खराब हुई तो हम पूरे ज़िले में भटके, ऑक्सीजन की कमी महसूस किए, उसकी सुबह जब 8 बजे डेथ हो गई तो हम ये सोच रहे हमारे घर का तो सदस्य चला ही गया है, मगर हमको पूरे ज़िले के सदस्यों को बचाना, हम एक संकल्प लिए हैं कि जब तक हमारे उसमें है तब तक हम ऑक्सीजन फ्री मुफ्त में देते रहेंगे ज़िले को जिनको ज़रूरत है। तो अब तक कितने सिलेंडरों का 150 सिलेंडरों का वितरण कर चुके हैं और कंटिन्यू हमारे पास जो भी खाली लेके आता है उसकी रिफिलिंग कराते हैं। लगातार समस्याएं बहुत है सिलेंडर की, तो कैसे मैनेज हो पा रहा है? ये सब हमारे मित्र एक उत्तराखंड में है, वहाँ से वो भी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ हम उनको कलेक्ट करके दे रहे हैं, वो वहाँ से रिफिलिंग करा के यहाँ दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सिलेंडर के लेकर के किसी की जान ना जाए, इसलिए जैसे व्यवस्था हो पा रही है उससे करके वितरण करवा रहे हैं सिलेंडर में। ये है मिथिलेश सिंह जी जो लगातार सिलेंडरों का वितरण कर रहे हैं। घर में एक दुर्घटना हुई तो सिलेंडर की वजह से अकाल मौत का शिकार हो गए, कोशिश ये है कि परिवार का तो चिराग बुझा है, कोई और अकाल मौत का शिकार ना हो। वहीं इनका यह प्रयास उन लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ साबित हो, वरदान साबित हो रहा है जो लोग सिलेंडर की वजह से उनके परिवार में मरीज परेशान हैं। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। कोरोना महामारी के चलते देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है और